इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास यात्री विमान क्रैश हो गया है। इंडोनेशिया में उड़ान भरने के 13 मिनट बाद ये प्लेन लापता हो गया। लायन एयर के यात्री विमान ने जकार्ता से पांकल पिनोंग के लिए उड़ान भरी थी और अब इसके क्रैश होने की खबर आ रही है। क्रैश अभी हुआ है कि नहीं अदिति पता नहीं है। लापता ट्रेन एक्चुअली वो रडार से गायब हो गया है, तो यहाँ दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। जैसे ही इस पर खबर मिलेगी, अच्छा क्रैश होने की खबर आ चुकी है। अपने दर्शकों को बता दें, एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक खबर दे देते हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास एक यात्री विमान क्रैश हुआ है। एग्जैक्टली कहां ये क्रैश हुआ है लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि इंडोनेशिया में उड़ान भरने के सिर्फ 13 मिनट बाद ही ये प्लेन लापता हो गया था। तो एटीसी के रडार से गायब हो गया, इससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्रैश हो गया है प्लेन। कितने लोग सवार थे, क्या वजह रही है, सब थोड़ी देर में अपडेट मिलेगी।